नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, मैं इडलवीज फाइनेंस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग ये 90 रुपये 65 पैसे का ये अभी ये स्टॉक है। और यहाँ पे अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ पे कि ये कंपनी अभी रिसेंट भागी है और फिर ये डाउन आ रही है। डाउन होने के बाद फिर यहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई सीधी सी बात है कि ये अपर सर्किट लगा, यहाँ पे अपर सर्किट लग गया, फिर उसके बाद वहाँ पे खुला, फिर स्टॉक डाउन आपको देखने को मिला। मतलब 100 रुपये के आसपास अपर सर्किट लग के अभी ये स्टॉक 90 रुपये के आसपास आके ये इस स्टॉक में फिर से एक रिवर्स तेजी हो रही है। चलिए, यही मैंने डे चार्ट लगाए, मतलब एक कैंडल आपको वन डे का चार्ट है, एक कैंडल आपको एक दिन का रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं वही वीकली चार्ट लगाऊं तो ये वीकली चार्ट का मतलब हो गया कि ये जो एक कैंडल है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही गौर से देखिए, ठीक है? आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो बॉक्स ट्रेडिंग हुई है इतने दिनों तक, वो आप उसको आप ध्यान से देखिए। और ये बॉक्स तोड़ के जो ये स्टॉक निकला है गजब की तेजी, फिर थोड़ा सा रिवर्सल आया है, आप डरिएगा नहीं। आपको करना क्या है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। यहाँ पे ये जब बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था, देखिए एक बार दो बार तीन बार किया बॉक्स ट्रेडिंग, कभी ऊपर जाता फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता, ऐसे नहीं, देखो ऊपर जाता नीचे आता फिर ऊपर जाता फिर नीचे आया, फिर ये अभी ऊपर गया। और यहाँ पे देखो इस लेवल पे गया, तो यहाँ पे ये करेक्शन फिर देखने को मिला। अभी ये ऐसे भाग रहा है, देखो अभी ये यहाँ तक गया, फिर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमको अभी क्या करना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में बताऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 मंथ का चार्ट लगाता हूँ, मतलब एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जितने भी कैंडल है जो बॉक्स ट्रेडिंग हुई है, ये हर एक कैंडल आपको 1 मंथ का कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको 50% खरीदारी कर लेना चाहिए। यहाँ पे इस लेवल पे आपको पता है कि ये पिछले दिनों ये 3 दिन अपर सर्किट था और तीसरे दिन इसका अपर सर्किट खुला, आप समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और करेक्शन इतना, 2 दिन करेक्शन चला, फिर तीसरे ही दिन इस स्टॉक में फिर से एक बार रिवर्सल देखने को मिला। तेजी तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखने को मिला। तो अभी आप यहाँ पे बताइए, 50% आप निवेश अगर करेंगे तो इस लेवल पर भी अगर आता है ये स्टॉक तो भी आपको घाटा नहीं है, आपको प्रॉफिट ही है। आप कहेंगे यार कौन सी बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा है,
बोल रहा है गिरेगा तो भी प्रॉफिट है। ये ट्रिक है, अगर ये भागा तो प्रॉफिट, अगर ये गिरा तो भी प्रॉफिट, क्योंकि अगर ये भागने की वजह अगर ये नीचे आता है तो आपने कितना लिया है, 50%, ओनली 50% आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और आपका 50% तो अभी बाकी है ना। अगर ये स्टॉक यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिले, ठीक है, आप सही से देखिए, यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिले तो कोई बात नहीं, आप करेक्शन को वेट करिए कि करेक्शन ख़त्म हो। जब जैसे ही ये करेक्शन ख़त्म होगी जिस लेवल पे, आप 10% करके हर एक लेवल पे खरीदारी, हर एक लेवल पे आप खरीदारी कर लें, ठीक है। और ये चीज़ें तो हो गई खरीदारी करने की। आज ये इतने दिनों से स्टॉक रुका है, इतने दिनों से ये स्टॉक रुका है, बस इंतज़ार कर रहा है ये सही समय का। जैसे ही एक सही समय मिलेगा, देखिए मंथली कैंडल लगाया मैंने, 1 month 2 month 3 month, ये आज 3 month से ये स्टॉक तेज में है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक तेजी में है, और ये इतना तेज़ी से ये स्टॉक उठेगा कि इस स्टॉक में अपर सर्किट लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये आपको देखने को ही मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे ये स्टॉक देखने को ही मिल रहा है अपर सर्किट। तो आपके हाथ में अभी भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप यहाँ पे खरीदारी करें और बहुत ही अच्छा एक पैसा बनाएं। देखिए जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो अगर चाहते हैं इस स्टॉक में निवेश करना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो भी धीरे धीरे खरीदारी करें, जल्दबाजी नहीं करें। अगर आपको रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रखिए। शॉर्ट टर्म में क्या है कि जैसे ही आपको अगर इस स्टॉक में अपर सर्किट ऐसे करके या थोड़ा भी करेक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो सेम यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि जब जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लगे तब तब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ये डाउन ट्रेंड में आए आपको सेल आउट कर देना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप धीरे 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 करके खरीदारी करते जाइए। जब तक ये बॉक्स ट्रेडिंग में था तब तक आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, अगर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं खरीदारी किया है तो अभी भी आपके हाथ से मौका नहीं गया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो जो इसका हाई है, आप यहाँ पे हाई कंपेयर करिए इससे, 342 रुपये का हाई है। आप यहाँ पे देखिए 342 रुपये का हाई है, और यहाँ पे आप फ्यूचर में ये लेवल से ऊपर आपको देखने को मिलेगा लेवल, तो आपके पास भरपूर मौका है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक मोटी रकम बना सकते हैं। मैंने आपको सब स्ट्रेटजी बता दिया है किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। देखिए पहला लेवल तो क्रॉस हो गया है, सेकंड लेवल बाकी है, थर्ड लेवल बाकी है, फिर फोर्थ में जब फोर्थ लेवल पार करेगा तो और भी आपको हायर लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।